Hey guys, what's up? My name is Rao Sharma and you're watching When RS Vlogs. And guys, I'm back with a new video. और इस वीडियो में गाइस मैंने आपको पता होगा दो तीन दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट शेयर करते हैं आपके साथ. मैंने उसमें अपने परसेंटेज बताई थी आपको एंड अपने मॉम का रिएक्शन बताया था एंड बहुत सारी चीजें बताई. ठीक है, तो मैं ना आपको मतलब उस वीडियो पे 10 केसेस ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, स्टिल काउंटिंग. एंड मैंने बहुत बंदों ने लाइक करी ये वीडियो, मेरे को बहुत अच्छा लगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो उसके लिए दिल से थैंक यू. एंड जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आपके, तो कमेंट्स में मेरे को बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन मिले, बहुत सारों ने अपनी खुद की परसेंटेज बताई और कुछ कमेंट्स ना ऐसे थे जैसे कि भाई आप पास हो गए हो, आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज आ गई, लेकिन आप स्ट्रीम कौन सी चूज कर रहे हो यार, क्योंकि जी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपके अंदर. एंड बहुत सारे मतलब ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को कमेंट्स आए हैं, नहीं तो मेरे कोई शौक नहीं है. ये मेरे को कमेंट्स आए हैं कि भाई आपने कौन सी स्ट्रीम चूज करी, प्लीज बताओ अगली वीडियो में. तो गाइस मैंने यही इसी के लिए वीडियो बनाई है. कुछ आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सी स्ट्रीम चूज करी एंड कुछ थोड़ी बहुत एडवाइस दे दूंगा आप लोगों को कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए आपके फ्यूचर के बारे में. अगर अच्छी लगी तो रख लेना, मैं कोई इतना बड़ा वो हो नहीं कि आप मेरी एडवाइस लोगे या फिर मैं कोई इतना बड़ा सक्सेसफुल ये हूं या वो हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस आपका दोस्त हूं. दोस्तों की तरह वीडियो बना रहा हूं और दोस्तों की तरह आपसे अपने थॉट्स शेयर करने वाला हूं. ठीक है, थोड़ी बहुत एडवाइस दूंगा, अगर अच्छी लगी तो रख लेना. एंड खुद अब आपको बताऊं कि मैंने कौन सी स्ट्रीम चूज करी एंड क्यों करी एंड किस लिए करी एंड आपको कौन सी करनी चाहिए. तो गाइस बिना किसी फालतू की बातें वेस्ट करें, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो भाई सबसे पहले बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आपको अपनी स्ट्रीम बता देता हूँ कि मैंने कौन सी स्ट्रीम चूज करी है. तो मैंने जो स्ट्रीम चूज करी है वो है कॉमर्स विद आईपी, कॉमर्स विद आईटी, कॉमर्स विद सीएस, कॉमर्स विद वो, कॉमर्स विद ये, पता है इसके बहुत सारे नाम है, मेरे को भी एक स्पेसिफिक नाम नहीं पता है. एंड मैं जो बुलाता हूँ वो है कॉमर्स विद आईटी. तो यार आप समझ गए होगे मैं किस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ. बेसिकली ये जो स्ट्रीम है कॉमर्स विदाउट मैथ्स है, कॉमर्स विद मैथ्स होती है, वो मैंने चूज नहीं करी है. मैंने चूज करी है वह कॉमर्स विद आईटी. एंड गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये सब स्ट्रीम्स क्यों चूज नहीं करी. सबसे पहले बात आ जाती है आर्ट्स की. गाइस मैंने आर्ट्स स्ट्रीम चूज क्यों नहीं करी, क्योंकि गाइस देखो आर्ट्स में होती है हिंदी. बेसिकली मैं आपको जेन्यून बताऊं तो मेरे को हिंदी का कोई शौक नहीं है. मैं बहुत दिनों से चाहता था, मेरे को इतनी मात्राओं की मेरे को मिस्टेक्स हो जाती है हिंदी में. एंड गाइस रियली मैं आपको बताऊं तो मेरे को हिंदी अच्छी नहीं लगती. आप बोलोगे यार मातृभाषा है, ये भाषा है, वो भाषा है. गाइस आप खुद सोचो, अगर आप मेरी तरह 10th या 11th में होंगे तो आपको भाई देखो अपना अपना इंटरेस्ट होता है. मेरे को हिंदी में लिखने में मात्रा में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मेरे को हिंदी अच्छी नहीं लगती. ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं है कि मैंने आर्ट्स क्यों नहीं ली. सिर्फ और सिर्फ हिंदी के चक्कर में मैंने आर्ट्स नहीं ली. और ना आर्ट्स में ना और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे क्या बताऊं, छोड़ो. अब बताता हूं मैं आपको कि मैंने साइंस स्ट्रीम क्यों नहीं ली. बेसिकली मेरे को साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं आती है. मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ समझ नहीं आती है कुछ भी. वन ऑफ द बेस्ट रीजन व्हाई आई डिडंट चूज साइंस. एंड साइंस में मैंने सुना है मेरे को, एंड ठीक है यही रीजन था कि मैंने साइंस क्यों चूज नहीं करी. अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों कॉमर्स चूज करी. गाइस मैंने कॉमर्स इसलिए, देखो कॉमर्स में मेरे को दो ऑप्शन थे. मैंने बता दिया मैंने साइंस क्यों चूज नहीं करी, क्योंकि मेरे को साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सारी चीजों में. ठीक है, आर्ट्स क्यों चूज करी, मेरे को हिंदी से बहुत मतलब दूर हूं भाई मैं हिंदी से, हिंदी और संस्कृत से. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी मैंने कॉमर्स क्यों चूज करी. गाइस कॉमर्स में भी दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक तो है कॉमर्स विद मैथ्स, एक होता है कॉमर्स विद आईपी. गाइस मैंने कॉमर्स विद आईपी चूज किए क्योंकि मेरे को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है. मतलब आप बोलोगे यार तेरा रिजल्ट अच्छा है, लेकिन यार मैं सही बताऊं ना मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता. मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो
एंड हिंदी, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करता ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने का, क्योंकि मैं, पता है क्या, मैं आपको जेन्यून बताऊं तो मैं समझता हूँ ये सारे सब्जेक्ट यूजलेस हैं, हमें आगे चल के कहीं भी काम नहीं आने वाले ये सब्जेक्ट, जो मैं समझता हूँ। देखो जो मैथ्स है, मैथ्स में आपको इसके फॉर्मूले से ये निकालना होगा एंड सर्कल का ये निकालो वो निकालो, क्या आप मेरे को खुद बताओ आपको कहीं ये यूज आने वाली हैं चीज़ें? या जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गई, बायो में अगर मेरे को, भाई अगर मेरे को डॉक्टर बनना होगा इसलिए मैं करूँगा, लेकिन यार देखो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ये ना खुद समझता हूँ ये यूजलेस सब्जेक्ट्स हैं, यूजलेस। अगर आप में भी ये थोड़ा जानते होगे इन सबके बारे में, तो अगर आपको भी लगेगा कि यूजलेस सब्जेक्ट्स हैं जिनका कोई यूज नहीं है पूरी लाइफ में, ठीक है, अब ये मैंने रीजन बता दिया कि मैंने क्यों कॉमर्स विद मैथ चूज नहीं करी। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कॉमर्स विद आईपी क्यों चूज करी। देखो सबसे पहले भाई मेरे को बनना था बिजनेसमैन, ठीक है, तो बिजनेसमैन के लिए मेरे को चाहिए थी कॉमर्स की पढ़ाई, ठीक है। कॉमर्स में सब्जेक्ट आ जाते हैं बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। देखो एंड अब मैं आपको बताता हूँ, देखो देखो भाई इस विद आईपी की चूज करी, क्योंकि मैं हमेशा से ना टेक से बहुत, मतलब मेरे को टेक्निकल बहुत अच्छा पसंद। मैं ना बचपन से, जब मैं, आप मान लो 7, 8, 9 में था ना, ऐसी ऐसी गेम्स खेली है जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। जो उस टाइम, अगर मैं ऐसा बोलना ठीक नहीं है गाइज, उस टाइम प्रिंस ऑफ पर्शिया चलती थी और गाइज ऐसी ऐसी गेमें चलती थी ना, जब मतलब आपने मारियो खेलते होगे, या फिर गाइज मैं आपको खुद बताऊं तो मेरे को कंप्यूटर से बहुत लगाव था। मैं जब बचपन से तब से गेमिंग कर रहा हूँ और मेरे को टेक्निकल चीज़ों में बहुत शौक है गाइज। मेरे को विंडोज़ की बहुत नॉलेज है, मेरे को वर्ड की बहुत नॉलेज है, अभी अभी मेरे को एक्सेल की नॉलेज हुई है एंड गाइज सच बताओ तो मेरे को कंप्यूटर से बहुत लगाव है, इसलिए आप देखोगे। और अभी जो फन विद आर एस दूसरा चैनल है उस पे गेम की स्ट्रीमिंग भी आने वाली है। चैनल प्रमोशन हो गया, कोई बात नहीं, स्ट्रीमिंग आने वाली है उसपे, तो भाई एक बार रिमाइंड करा दिया, उसको सब्सक्राइब कर लो, नहीं करा तो, ठीक है। एंड गाइस देखो मेरे को कंप्यूटर में शौक था एंड कॉमर्स में मेरे को बिजनेसमैन बनना था, इसलिए गाइस यही रीजन था कि मैंने कॉमर्स विद आईपी क्यों ली, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था गाइस, मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है। मेरे को बिजनेसमैन बनना था, मेरे को इंटरेस्ट है इसमें, मेरे को कोई सी जॉब नहीं करनी, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बिजनेसमैन बनना था गाइस, मेरे को बिजनेसमैन बनना था। चल रही है वीडियो, ठीक है। तो गाइज मेरे को पता है मैंने साइंस और मैथ्स और आर्ट्स इसलिए लिए क्योंकि मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, कॉमर्स विद आईपी लिए क्योंकि मेरे को भर भर के इंटरेस्ट था। बेसिक रीजन बिहाइंड चूजिंग कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विद आईपी, बिकॉज आई हैव फुल इंटरेस्ट इन इट एंड आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन साइंस और आर्ट्स एंड समथिंग लाइक दिस हिंदी। तो गाइज बेसिक रीजन ये था कि मैंने, और गाइज एक एडवाइस मैं आपको दूंगा, आप जो भी पसंद करते हो ना, आपको जो लेना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आर्ट्स बेकार है, आर्ट्स में बेकार बच्चे जाते हैं, आर्ट्स में वो है, या फिर साइंस में ब्रिलियंट बच्चे जाते हैं, या फिर कॉमर्स में कुछ लो बच्चे जाते हैं, मिडल बच्चे जाते हैं, या इसमें आपको बताऊं, आप स्ट्रीम चूज कर रहे हो, आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है कि आप कौन सा कर रहे हो, तो गाइज आपको, मैं आपको, आपको ना पता होगा अपने आप कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि गाइस जो भी आप स्ट्रीम चूज करो ना, अपने दिल से करो कि आपको किस में इंटरेस्ट है। गाइस कोई भी फ्रेंड नहीं कि भाई मेरा दोस्त इसमें जा रहा है, मेरा दोस्त उसमें जा रहा है, तो मैं भी उसी स्ट्रीम में जाऊंगा। गाइस देखो दोस्त ना आपके हर क्लास में बन जाएंगे गाइस, आप कोई सी भी, मतलब कोई अगर स्कूल भी चेंज करते हो ना, तो गाइस दोस्त तो आपके 101% बन जाएंगे, ऐसे मेरा मानना है कि दोस्त बनाना कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। गाइस आप प्लीज ये सोच के मत जाना कि भाई मेरा दोस्त जा रहा है उस क्लास में, तो भाई मैं भी वही स्ट्रीम चूज करूंगा। प्लीज 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 ऐसा मत करना। जो आपका इंटरेस्ट है ना, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जो पढ़ना आपको दिल से अच्छा लगता है, ठीक है, ये नहीं, देखो पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ज्यादातर पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो आप बड़े होकर करने वाले हो ना, अब जो ये स्टेज है ना, ये पढ़ने की स्टेज है गाइस, ठीक है। तो गाइस अब जो आप करने वाले हो, आपकी पढ़ाई बहुत आगे चल के काम आने वाली है। तो गाइस ठीक है, जो आपको, आपका जिसमें इंटरेस्ट है ना, मैं कहूँगा वही स्ट्रीम चूज करें, कोई फालतू स्ट्रीम चूज मत करें। प्लीज दोस्तों के चक्कर में मत पड़ना कि मेरा इसमें, यार मैं कितनी बार बोलूंगा यार, ठीक है। तो गाइस यही मेरी एडवाइस थी, प्लीज
जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है कॉमर्स में जाओ, अगर आपका आपको आईपीएस वाईपीएस बनना है, जो भी बनना है आप आर्ट्स में जाओ, आपको गाइज डॉक्टर बनना है पीसीएम भी ले लो, आपको गाइज कोई साइंस रिलेटेड बीटेक बीटेक करनी है आप साइंस ले लो गाइज, बट अपने मन की करो, सुनो सबकी, करे अपने मन की, ठीक है गाइज। ये मैं आपको बहुत जरूरी एडवाइस दे रहा हूँ कि गाइज सबकी सुनो, अपने दोस्तों की सुनो, अपने भाइयों की सुनो, अपने मेरी सुनो, फैमिली की सुनो, लेकिन करो ना। मतलब सारे जब ये सारी जो मतलब आइडियाज है ना आपके पास आ जाए, उनसे छांट छांट के निकालो कि बेस्ट आइडिया कौन सा है, ठीक है। तो गाइज वही बेस्ट आइडिया आप चूज करो, सुनो सबकी, करो अपनी, गाइज यही होने वाले हैं यहाँ की लास्ट का मोटिवेशनल क्योट। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं लास्ट में मोटिवेशनल क्योट डालता हूँ, तो गाइज यही होगा आज का क्योट, सुनो सबकी, करो अपनी। यही तक की आज की वीडियो, तो कैसे अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन दबा देना, साइड में बेल आइकन होता है ना उसे जरूर दबा देना, क्योंकि वही आपको नोटिफिकेशन जाती है, उसी से आपको भाई मत बना वीडियो, उसी से आपको नोटिफिकेशन जाती है, ठीक है। और गाइस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बन में था उसको बनास ब्लॉग्स को भी करो, करो सब्सक्राइब, कर दो एंड सब्सक्राइब करो यार।